विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज सुना सकता है कोरोना को लेकर प्रतिबंध आगे बढ़ाने पर फैसला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की कौन सी लिस्ट। आम आदमी पार्टी को पंजाब में सीएम चेहरे के लिए मिले कितने सुझाव और पंजाब में बीजेपी को विधानसभा टिकट के लिए मिले कितने आवेदन। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग आज प्रतिबंधों को और बढ़ाने का फैसला सुना सकता है। आयोग ने पहले ही रैली, रोड शो और पदयात्रा समेत तमाम तरह की भीड़भाड़ वाले चुनाव प्रचार पर आयोग ने रोक लगा रखी है। आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते वक्त डिजिटल प्रचार पर जोर दिया था और 15 जनवरी के बाद समीक्षा करने की बात कही थी। कोविड ने राज्यों में चुनाव की तैयारियों को फीका कर दिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में 1400 से ज्यादा अधिकारियों ने फिजिकली या ऑनलाइन दोनों तरीके से हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने सभी से निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए कानूनी एजेंसियों से समन्वय बनाने के लिए कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य की 70 में से 40 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। आलाकमान की मंजूरी के बाद लिस्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने की संभावना पर भी चर्चा हुई, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरीश रावत के लिए फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पुरोला से प्रकाश कुमार, देवप्रयाग से उत्तम भंडारी, सहसपुर से भरत सिंह, मसूरी से श्याम बोरा, झबरेड़ा से राजू राठिया, डीडी हाट से दीवान सिंह मेहता, लालकुआ से चंद्रशेखर पांडे, नानकमत्ता से आनंद सिंह राणा और खटीमा से SS कलेर को टिकट दिया गया है। प्रत्याशियों से पार्टी की विचारधारा को राज्य के हर घर तक ले जाने की उम्मीद जताई गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी जोरदार एंट्री की तैयारी कर रही है। पंजाब में बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए होड़ मची है। जानकारी के मुताबिक टिकट के लिए 4000 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। बीजेपी को इस बार पंजाब में काफी उम्मीदें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने से ये उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए जारी किए गए नंबर पर 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा डाटा इकट्ठा होने के बाद पार्टी सीएम चेहरे पर फैसला करेगी। चीमा के मुताबिक पंजाब के लोग अब बदलाव चाहते हैं। पंजाब में सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सीएम फेस पर टकराव बढ़ता रहा है। शुक्रवार को सिद्धू के पेज जीतेगा पंजाब पर लिखा गया कि जल्द आएगी सिद्धू की सरकार। इससे पहले सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर से भी सीएम चन्नी की तस्वीर गायब थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार और रविवार को गोवा दौरे पर हैं। केजरीवाल आज दोपहर करीब 1:30 बजे गोवा पहुंचेंगे और पार्टी के डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करेंगे और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल कल पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम समीक्षा बैठक है, जिसमें किसान ये तय करेंगे कि केंद्र सरकार के साथ जिन शर्तों के आधार पर समझौता हुआ था वो पूरे हुए या नहीं। अगर नहीं तो क्या फिर दोबारा आंदोलन करने की जरूरत है। खबर है कि वो किसान संगठन इस बैठक में शायद शामिल नहीं होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।